गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के लेसन 3 का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है प्लेइंग द गेम। यहां से देखते हैं, सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन एंड फेल हेवीली ऑन द ग्राउंड। अचानक द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, स्टम्बल मतलब लड़खड़ा गया ओवर अ लूज पेविंग स्टोन। एक लूज मतलब ढीले, पेविंग मतलब बाहर की तरफ उभरे हुए, स्टोन मतलब पत्थर से, एंड फेल हेवीली ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। यानी वृद्ध व्यक्ति ने अचानक रास्ते में एक ढीले पत्थर से ठोकर खाई और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, मर्मर्ड द ओल्ड मैन। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे छोड़ मत देना छोटे बालक। नो आई विल स्टे हियर, सेड एलन। एलन ने कहा कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। एंड ही सैट बिसाइड हिम, और उसके बगल में बैठ गया। फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि उसने महसूस किया दैट समवन वुड कम देयर वेरी सून, कि कोई ना कोई शीघ्र ही उस रास्ते पर आएगा। एलन स्टेयर्ड एनजियसली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड। यानी कि जो मिनट गुजरे उनमें एलन ने चिंतित होकर के सड़क के ऊपर और नीचे की ओर देखा, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की ओर देखा। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स, मिनट लगभग घंटों के समान लगे। देन मतलब तब, एट लास्ट मतलब अंत में, टर्निंग द कॉर्नर, कोने से मुड़कर, केम ए जॉली लुकिंग पुलिसमैन। जॉली लुकिंग का मतलब हो जाएगा प्रसन्नचित पुलिसमैन, मतलब उस कोने से मुड़कर एक प्रसन्नचित पुलिस वाला आया। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, मतलब एलन इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी चीख निकल पड़ी। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, द पुलिसमैन सेड। पुलिसमैन ने कहा कि छोटे बालक, मैं इस सज्जन व्यक्ति को घर तक छोड़ दूंगा। आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब एलन ने पूरी घटना उस पुलिस वाले को बता दी। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड। फिर एलन भागा और जितनी तेज उसकी टांगे खेल के मैदान में उसे ले जा सकती थी। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, किंतु जब वह पहुंचा तो खेल आरंभ हो चुका था। व्हाई इट इज एलन, अरे यह तो एलन है, सेड द टीचर, उसके अध्यापक ने कहा। हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार के ठीक या बिल्कुल अंदर खड़ा था। यू आर नॉट मच गुड इफ यू कैन नॉट कम अप टू टाइम, उसने कहा कि यदि तुम समय पर नहीं आ सकते तो तुम बहुत काम के नहीं हो। वी हैव पुट इन यंग हेरोल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, हमने तुम्हारे स्थान पर एक नौजवान लड़का जिसका नाम था हेरोल्ड बैंक्स को रख लिया है। फॉर्चुनेटली ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, सौभाग्य से वह अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है। एलन बीट हिज लीप, एलन ने अपने होठ को काट लिया। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वह कैसे समझा सकता था। ही टर्न अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, वह वहां से चल दिया और धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट आया। हिज फादर ओपेंड द डोर, उसके पिताजी ने दरवाजा खोला। ब्रेवो एलन ही सेड, उसने कहा, शाबाश एलन, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक,
अपने छोटे पुत्र के बैक मतलब पीठ को पैटिंग मतलब थपथपाते हुए, बट डैडी, लेकिन पिताजी, बिगैन एलन, एलन बोलना प्रारंभ किया, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम। इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में दखल देना। उसके पिताजी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। इट इज ऑल राइट ओल्ड मैन ही सेड, उन्होंने कहा कि बूढ़े व्यक्ति सब ठीक है। यू सी आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उस पुलिस वाले के पीछे पीछे आ रहा था और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी वहां पे घटना घटी, वह मुझे सब बता दिया। सो आई न्यू यू आर प्लेइंग द गेम, इसलिए मैं जान गया कि तुम खेल खेल रहे हो। ऑल्दो इट वॉज नॉट ऑन द यद्यपि पिच, यानी कि यद्यपि यह क्रिकेट के मैदान में नहीं था। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट, इसलिए मैं वापस बाजार गया एंड बॉट द बाइसाइकिल आई प्रोमिस्ड यू, और मैंने एक साइकिल खरीदी जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। इट इज अ ब्यूटी, यह एक सुंदर साइकिल है। एंड एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, और एलन हमें तुम पर गर्व है। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ को और मुझको भी। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह कक्षा में, द बॉयज गेव एलन 3 loud cheers। एलन के मित्रों ने 3 बार 3 loud cheers मतलब 3 बार जय ध्वनि की, एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, जैसा कि केवल विद्यालय के लड़के ही कर सकते हैं। फार मतलब क्योंकि, इन सम मिस्ट्रियस फैशन, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, फैशन मतलब तरीके, किसी रहस्यमय तरीके से दे टू हैव लर्न, उन्हें भी पता चल चुका था ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उसके दयालुतापूर्ण कार्य के बारे में।